हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माइनिंग बिल्ला में आप सभी का। अगर चैनल में आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। आज का जो मेरा टॉपिक है सीएमआर 2017 जो है कोल माइन रेगुलेशंस 64 से लेकर 75 के बीच में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उतने बनाए गए हैं। तो जो जो क्वेश्चन हैं बने हुए हैं उसका डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू के रूप में। तो स्टार्टिंग करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन बन सकता था, खदान के नक्शे में किन चीज़ों का उल्लेख नहीं होता है। जो खदान का जो नक्शा होता है ना, यानी कि जो प्लान बनाए जाते हैं उसमें पूछा गया है किन चीज़ों का उल्लेख नहीं होता है, यानी क्या क्या हम लोग नहीं दर्शाते हैं, है ना। तो माइन नेम तो होगा ही, ओनर नेम भी होगा, दी पर्पस ऑफ द मैप, ओवरमैन नेम। तो इसमें से सीधा साधा पता चल रहा है कि तीनों रहेगा, डी नहीं रहा, ओवरमैन का नाम नहीं रहता है उसमें, ठीक है। नॉर्मली माइंस में नक्शे कितने पैमानों पर बनाए जाते हैं जब तक कि उपनिधता ना किया जाए। तो ये स्केल पूछ रहा है कि नॉर्मल जो स्केल होता है आरएफ के बारे में पूछ रहा है, कितने आरएफ में जो प्लान बनाया जाता है नॉर्मली। तो नॉर्मली जो हमारा जो होता है ना, वो 1001 पे और 2001 पे बनाया जाता है जब तक कि कोई उल्लेख ना किया जाए, कोई उसमें ऑब्जेक्ट ना डाला हुआ। जैसे ऑफसेट प्लान 1:500 में बनता है, तो एक कुछ कुछ प्लान है जो अलग से बनाए जाते हैं वही रेशियो में बनना चाहिए। लेकिन नॉर्मल जो प्लान होगा ये दोनों के दोनों में आप बना सकते हैं, वन और ए और बी जो दिया गया है दोनों बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी भी हमारा ए और बी दिया हुआ है, तो डी सही हो जाएगा। वर्टिकल प्लान कब बनाया जाता है, अब वर्टिकल प्लान के बारे में, तो वर्टिकल प्लान कब बनाया जाता है ऑप्शन को देखते हैं फिर बताते हैं। एवरेज स्लोप मोर देन, यानी कि स्लोप की बात हो रही है, ग्रेडियंट स्लोप यानी ग्रेडियंट 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 50 डिग्री, तीनों में से किससे ज़्यादा हो जाने पर वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान हमारा बनता है। तो हमारा जो है सही आंसर 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री जब हो जाता है इंक्लिनेशन माइन का, तो उस समय वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान बनाया जाता है ना। यदि किसी कार्यस्थल में दो निकास मार्ग नहीं है तो व्यक्तियों के नियोजन की अनुमति कौन देता है। अगर माइंस में अगर दो आप एग्जिट नहीं बनाए हैं तो उस समय आपको परमिशन लेना पड़ता है कि हमारे पास एक ही एग्जिट है, हमें माइंस चलाने के लिए हमें परमिशन दिया जाए। तो उस समय परमिशन किससे लिया जाता है, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल से या मैनेजर से या ओनर से। तो ऑफिशियली ओनर ले रहा है तो ओनर अपने से तो नहीं लेगा, ये सब ओनर लेता है परमिशन, चीफ इंस्पेक्टर से लिया जाएगा, मैनेजर से भी नहीं, रीजनल से भी नहीं, चीफ इंस्पेक्टर इसके लिए परमिशन देगा। एक एग्जिट रखे हुए तो दो रखें तो परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो दो रहता ही है, अगर नहीं है तो किसी कारणवश। यदि दो सिम की आपस में दूरी 9 मीटर से कम हो तो कौन सा प्लान बनाया जाता है। अब दो सिम की बात हो रही है, दो अलग अलग सिम है जिसके बीच की दूरी 9 मीटर से कम हो गई है, तो कौन सा प्लान हम लोग बनाएंगे उस समय। तो हमारा उस समय प्लान जो होता है कंबाइंड प्लान बनाते हैं, दोनों आपस में 9 मीटर के अंदर में है तो कमांड प्लान उस समय हम लोग बनाते हैं, है ना। अलग प्रकार के पैमाने पर नक्शा बनाने का आदेश कौन दे सकता है, यानी कि वो आरएफ की बात कर रहा है, अलग आरएफ बनाना चाहते हैं तो कौन किससे परमिशन लिया जाएगा। तो चीफ इंस्पेक्टर से लिया जाता है, तो सीआई जो दिया हुआ ए में, तो ए सही हो जाएगा। माइंस का नक्शा इनमें से किस चीज़ पर नहीं बनाया जाता है, तो पूछ रहा माइंस का जो नक्शा बनता है किस किस पेपर में बनाया जाता है, वो अगर जानते होंगे तो नहीं जवाब देना बहुत इजी हो जाएगा। ड्यूरेबल में बनता है, ट्रेसिंग में बनता है, पॉलिस्टर फिल्म में बनता है, यानी रेगुलर पेपर में नहीं बनाया जाता है। तो सही हमारा डी हो जाएगा, 7 का डी। फुल फॉर्म ऑफ सीएचपी का फुल फॉर्म अगर नहीं जानते तो यहाँ जान लीजिए, कॉल हैंडलिंग प्लान, यानी कि क्या होता है आपका कॉल हैंडलिंग प्लान, पहला है कॉल हैंडल प्लान, कॉल हैंडलिंग प्लान, कॉल हेल्थ प्लान। तो आपको इन से मत से चूज करना है, कॉल हैंडलिंग प्लांट होता है। तो सी हमारा दिया हुआ है, प्लान बहुत कोई मार सकता है लेकिन ध्यान रखना प्लांट होता है, जहां पर हम लोग वाशरी जिसको बोलते हैं कॉल हैंडलिंग प्लांट होता है, वो वाशरी जहां से कोयला को हम लोग जाके रिफ्रेश करते हैं, वहाँ क्रशर होते हैं, अगर बड़े हैं तो तोड़े भी जा सकते हैं, चिप वाला साइज हो सकता है, जो रिक्वायरमेंट होती है वैसा साइज बनाया जाता है वहाँ पर, तो कॉल हैंडलिंग प्लांट कहलाता है वो। व्हाट इज द रेगुलेशन नंबर 9, तो रेगुलेशन नंबर 9 में क्या है, ये बीच में क्वेश्चन एक अलग से है रेगुलेशन नंबर 9 से, तो पहले भी मैं बताया होगा, अगर आप देखे होंगे तो बता देंगे। तो नोटिस ऑफ डिजीज है,
है ना। वेन ये ज्वाइंट सर्वे प्रिपेयर यानी ज्वाइंट सर्वे बनाया जाता है प्लान, वो कब बनाया जाता है इसके बारे में पूछा गया है। तो वर्किंग विद इन 60 मीटर जर्शन टू शो द एक्सटेंट ऑफ द माइन व्हेन द माइन इज फिल्ड विथ वाटर, तो ये तीनों के तीनों कंडीशन में बनाया जाता है। तो हमारा डी हो जाएगा सही आंसर। फुल फॉर्म ऑफ MGR, अब MGR का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी जानना है। मेरी गो राउंड, मूव गो राउंड, मेरी गोन राउंड, तो इसका आंसर जो आपका है मैंने देखा था बुक में उसी से लिखा हुआ है, मेरी गो राउंड होता है। खदान में भूमिगत नक्शे में इनमें से क्या होना आवश्यक आवश्यक नहीं होता है। खदान में भूमिगत नक्शे में पूछ रहा, भूमिगत नक्शे जो बनाया जाता है ना ग्राउंड प्लान, उसमें क्या आवश्यक नहीं होता, इंक्लाइन, क्रॉस, मेजर ड्रिफ्ट, पंपिंग स्टेशन या कॉलोनी। कॉलोनी तो घर रहने वाला जगह है, वहाँ का क्यों रहेगा, है ना। तो डी हो जाएगा हमारा सही। कितने मीटर से अधिक गहरे शाफ्ट पर आने जाने की व्यवस्था आंतरिक साधन से की जाएगी यानी मैकेनिकल तरीका से किया जाएगा, कितने मीटर गहरे में। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से 30 मीटर होता है, आपका 30 मीटर सही आंसर हो जाएगा। सी, एक नक्शे में इनमें से क्या नहीं होता है, एक जो नक्शा बनाते हैं हम लोग उनमें से क्या नहीं होता है, क्या क्या होते हैं, और अगर आप जानते होंगे तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। ट्रू नॉर्थ रहता है, मैग्नेटिक मेरिडियन, प्लान पर्पस रहता है, वर्कर्स मैनेजमेंट, तो डी हो जाएगा, वर्कर्स मैनेजमेंट नहीं होता है प्लान में, है ना। फुल फॉर्म ऑफ ISO इन माइनिंग, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, कहीं है क्या, हाँ है, यही होता है। 15 का सी हो जाएगा। व्हाट इज द रेगुलेशन नंबर 17, रेगुलेशन नंबर 17 में क्या है, ये सभी इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलेशन नंबर में क्या है ये सभी पूछते हैं, जैसे रिकलमिनेशन का 107, SMP का 104, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो रेगुलेशन नंबर 17 में क्या है तो उसको भी जानना है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, उसके बारे में बताया गया इंजन सर्टिफिकेट ड्राइवर के बारे में, तो बी सही हो जाएगा। प्रत्येक खदान के दोनों शाफ्ट इंक्लाइन किसके कंट्रोल में होना चाहिए, तो ये पूछ रहा किसके कंट्रोल में रहेगा। तो 18 का जो आपका ऑप्शन के हिसाब से मैनेजर हो जाएगा, मैनेजर ही कंट्रोल करके रखेगा, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, उस सबको कोई लेना देना नहीं है, आप कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, वो सब सेफ्टी देखने आते हैं। और ओनर हर समय रहता नहीं, मैनेजर के ही दे दिया जाता कि आप खान को संभालिए। प्रत्येक खदान के सरफेस में बाहर आने के लिए कम से कम कितने शाफ्ट या इंक्लाइन रास्ते होने चाहिए, सबको पता है दो, तो सिंपल क्वेश्चन था, दो एग्जिट होने चाहिए आने जाने के लिए, दो एग्जिट, तो दो सही है। इंक्लाइन की दूरी कितनी होने पर मेन लाइनिंग सिस्टम, 1000 मीटर है कहीं, हाँ चलिए ऑप्शन 20 का बी मार दीजिएगा, बी ही है, 1000 मीटर इंक्लेशन। फुल फॉर्म ऑफ OEM, तो इसका फुल फॉर्म पूछा है, फुल फॉर्म काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नक्शे को कितने महीने पीछे तक संशोधित करने का प्रावधान है, 3 महीना होता है, दिया हुआ ऑप्शन में, किस में दिया है, ए में दिया हुआ है, 3 महीने में नक्शे को अप टू डेट किया जाता है, वही पूछ रहा है कितने दिनों में अप टू डेट किया जाएगा, 22 का ए, ठीक ना। व्हाट इज द रेगुलेशन नंबर 19, तो रेगुलेशन नंबर 19 में क्या है, ये सब बोरिंग होता है कभी कभी रेगुलेशन पढ़ना, 19 में क्या है, लेकिन क्या करें एग्जामिनर समझता नहीं है, पूछना ही लगता है, तो जान लेते हैं 19 में भी क्या है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट एट एग्जामिनेशन, अब कितने बार एग्जाम दे सकते हैं BME में, वही चीज़ लिखा है 19 में, 7 बार मैक्सिमम होता है दोस्तों, 7 याद रखिएगा, मैक्सिमम 7 बार ही एग्जाम BME का कोई भी दे सकते हैं, जैसे GT, ओवरमैन, माइनिंग सदस्य, असिस्टेंट मैनेजर, फर्स्ट क्लास मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेकंड क्लास मैनेजर बोल सकते हैं उसको। प्रत्येक शाफ्ट इंक्लाइन एंड अदर निकास मार्गों की जांच कितने दिनों में एक बार की जाएगी,
तो ये पूछ रहा है निकास मार्गों की जांच, चाहे शाफ्ट हो या इंक्लाइंड हो, उसकी भी जांच होती है। कितनों दिनों में होती है? तो 7 दिन में करना रहता है। तो ऑप्शन दिया हुआ बी में 7। लीज ली गई जमीन के लिए कौन सा प्लान बनाया जाता है? ज्वाइंट सर्वे प्लान के बारे में पढ़े हैं आप, कंबाइंड प्लान भी हो गया है, तो बचा क्या जूलॉजिकल और की। तो हमारा जूलॉजिकल प्लान में जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस वगैरह वगैरह दिखाया जाता है, तो की प्लान जो है लीज होल्ड एरिया को दिखाया जाता है। दो शाफ्ट इंक्लाइन या आउटलेट को जोड़ने वाले भूमिगत यानी अंडरग्राउंड मार्गों की लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए? पूछ दिया है कि लंबाई चौड़ाई दो शाफ्ट इंक्लाइन आउटलेट को जोड़ रहा है, तो उस समय लंबाई क्या होना चाहिए? तो 1.8 मीटर हाइट होना चाहिए या 1.5 मीटर विथ होना चाहिए? तो ऑप्शन ए सही है। प्रत्येक आंतरिक निकास मार्गों की जांच मेन मैकेनिकल जो निकास मार्ग है वहाँ 7 दिन में इनसे कौन करता है पूछ रहा है। तो इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर या फोरमैन जिसको बोल नहीं सकते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन ऑथराइज बाय द इंजीनियर, या सभी के सभी करते हैं। तो इसका आंसर है कोई भी कर सकता है, सभी करते हैं। कॉम्पिटेंट पर्सन भी कर सकते हैं, इंजीनियर भी कर सकता है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर या फोरमैन भी कर सकता है। तो डी सही हो जाए। फुल फॉर्म ऑफ RCC रेनफोर्स कॉन्क्रीट सीमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? RCC जो हम लोग ब्रिक वॉलिंग करने के बाद स्टॉपिंग में जो स्टॉपिंग लगाते ब्रिक वॉलिंग में RCC होता है, विदाउट RCC होता है वो, तो वही RCC की बात की जा रही है। तो उसका जो ऑप्शन दिया हुआ है तो उसका फुल फॉर्म जानिए, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट होता है। तो ऑप्शन सी जो है दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन सी सही है। रेगुलेशन नंबर 40 क्या है? अब रेगुलेशन नंबर 40 में क्या है वो भी पूछ रहा है, तो जानते हैं क्या है। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ड्यूटीज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल। तो हमारा 29 का जो है सी आंसर हो जाएगा, ड्यूटी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड माइंस जो पर्सन एम्प्लॉयड है उसके बारे में दिया गया है ना। रेगुलेशन देखिएगा आपको सारा का सारा मिल जाएगा, ये सब रेगुलेशन से ही क्वेश्चन बनी है। शाफ्ट में लगाई जाने वाली सीढ़ी का ढाल कितनी से अधिक नहीं होना चाहिए? शाफ्ट में अगर सीढ़ी बनाई गई तो उसकी ढाल पूछा गया है, यानी डिग्री में ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट स्लोप, तो वो पूछा गया है। तो 30 नंबर का जो है 45, 60, 80, 90, तो 80 डिग्री से अधिक नहीं होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ सी, तो 80 डिग्री हो जाएगा ना। एक नक्शा इनमें से किसके साथ एक सही स्थिति दिखाता है? एक नक्शा के बारे में पूछा जा रहा है कि नक्शा को देख के, क्वेश्चन कहाँ गया, कितना नंबर था। एक नक्शा इनमें से, तो सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल ग्रिड, रिजर्व स्टेशन, माइन मैगजीन, मैनेजर ऑफिस, एक नक्शा इनमें से किसके साथ सही स्थिति दिखाता है? तो हमारा रिजर्व स्टेशन में तो बारूद रखते हैं, माइन मैगजीन में तो उसमें भी बारूद रहता है, मैनेजर ऑफिस में क्या दिखाएगा? सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल ग्रिड में आपको दिखाएगा, ये अलग से एक है, ए सही है। यदि लीज ली गई जमीन को एक नक्शे में दिखाना संभव नहीं है तो उस समय कौन सा हम लोग प्लान बनाते हैं? तो क्योंकि लीज होल एरिया बहुत बड़ा है तो हम एक नक्शे में इसको अगर नहीं उतार पा रहे हैं तो उस समय एक अलग से प्लान बनाया जाता है, तो उसी प्लान का नाम पूछ रहा है, तो उस समय की प्लान बनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। CMR नंबर 65 में क्या है? तो 65 में क्या है, टाइप्स ऑफ प्लान है ना, सी सही हो जाएगा। शाफ्ट निकास मार्ग या निकलान एक दूसरे से कितने पास नहीं रहेंगे? इसका जो आंसर सभी को पता होगा, 10, 12, 16 या 13.5, तो सबको पता है ये।
13.5 मीटर होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस। उसके बाद दूसरा शाफ्ट या इंक्लाइन कुछ भी बना रहे, दूसरा निकास मार्ग उसके दूरी के बाद ही बनाना है। खदान का कार्य 7 दिन से अधिक स्थगित कर दिए जाने पर कितने दिनों के अंदर नक्शे जमा किए जाएंगे? तो बोल रहा कि खदान जो आपका माइन से 7 दिन से अधिक बंद है तो उस समय कुछ नक्शे दिए जाते हैं, कितने समय के अंतराल के अंदर नक्शे जमा करने रहते हैं रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को? तो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो ऑप्शन आपका 90 दिन सही है, 90 दिन के अंदर दिया जाता है, सारे अप टू डेट करके नक्शे दे दिए जाते हैं। यदि शाफ्ट का सीढ़ी लंबी हो तो कितने दूरी के पश्चात प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है? यानी शाफ्ट का जो सीढ़ी जो हम लोग बनाए, सीढ़ी वाला शाफ्ट जो है उसमें आपका प्लेटफॉर्म बहुत लंबा जा रहा है तो कितने इंटरवल पर प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं? तो प्लेटफॉर्म बनते हैं तो इंटरवल पूछ रहा है 3 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा 9 मीटर के इंटरवल पर बनाया जाता है। खान के प्रत्येक भाग से बाहर जाने वाले रास्ते ना होने पर छूट कौन दे सकता है? तो बोल रहा है कि जहाँ जहाँ माइनिंग किए वहाँ पर से रास्ते होते निकलने के लिए, से बाहर जाने वाले रास्ते ना होने पर छूट दिया जा सकता है। तो कौन परमिशन देगा? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, मैनेजर या ओनर देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीफ इंस्पेक्टर, 37 का ए हो जाएगा। खान का कार्य अबंडन या बंद हो जाने पर कितने दिनों के अंदर नक्शे जमा किए जाते हैं? और 7 दिन के लिए स्थगित था, अब ये हमेशा के लिए बंद हो गया है माइंस, तो उस समय प्लान और नक्शे दिए जाते हैं और कितने दिनों के अंदर दिए जाते हैं वही क्वेश्चन यहाँ है। तो उस समय बंद हो गया तो 30 दिन, अगर 60 दिन के लिए स्थगित है तो 90 दिन, है ना? तो 38 का ए सही आंसर हो गया। यदि किसी शाफ्ट में सीढ़ी लगी हुई तो सरफेस पर कितनी ऊंचाई तक बाहर रखने का प्रावधान? 1 मीटर होता है, ऑप्शन दिया हुआ ए। 39 का आपका ए हो गया है। खान पर कोई दुर्घटना होने पर सूचना दी जाती है, किसको दी जाती है? तीनों को दी जाती है, है ना? 40 का डी। यदि किसी सिंगल शाफ्ट में परमानेंट लाइनिंग धातु कॉन्क्रीट या गाँथनी हो तो शाफ्ट की तली कितने मीटर से अधिक नहीं होगी? सिंगल शाफ्ट के बारे में बार जब परमानेंट लाइनिंग की जाती है तो उस समय कितनी दूरी तक करना है वही पूछा है। तो 6 मीटर तक होता है परमानेंट लाइनिंग के साथ, और टेम्प्ररी और परमानेंट के साथ 20 मीटर होता है ना, सिर्फ परमानेंट करें तो 6 मीटर। ऑफिशियल गजट के अनुसार रोग होने पर कितने समय के अंदर सूचना दी जाएगी? 7 दिन, 14 दिन, 3 दिन, 21 दिन। तो 3 दिन होता है, 42 का डी होना चाहिए, ठीक है, 42 का डी है, ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा प्रमाण केवल ओपन कास्ट तक सीमित नहीं हो सकता है? ओवरमैन, गैस टेस्टिंग, सर्वेयर को भी दिया जाता है, जीटी होता है। तो 43 का बी हो जाएगा। यदि किसी सिंगल शाफ्ट में परमानेंट लाइनिंग होने वाला स्टील का रिंग और मजबूत लाइनिंग से काठी का सपोर्ट किया जाता है, शाफ्ट की तली से कितने मीटर तक करने तक अधिक नहीं होगा, है ना? तो 44 का डी होता है, 20 मीटर। डिप्लोमा के खनन सरदार का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कितना अनुभव होना चाहिए? कितने साल का होता है? 3 साल का होता है ना कि 1 साल का होता है? तो फील्ड कैंडिडेट के लिए 3 साल, और कोई डिप्लोमा होल्डर है तो 1 साल, जो हम लोग पीडीपीटी करते हैं 1 साल, मानी सदर का सर्टिफिकेट पाने के लिए 1 साल काफी है। तो ऑप्शन ए सही है। मैनेजर बनने के लिए मिनिमम एज 23 साल, सी ऑप्शन दिया हुआ सही है, 23। लास्ट क्वेश्चन है, किसी इंजीनियर को 2 खदान में काम करने के लिए किनसे परमिशन ले? अब इंजीनियर हमारे पास एक ही है, माइंस 2 चला रहे हैं, उस समय भी अगर चाहते हैं कि काम करे दूसरा माइंस में जाकर तो उस समय परमिशन लिया जाता है। तो उस समय परमिशन किससे लिया जाएगा? रीजनल से, चीफ से, या दोनों से? और ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, यानी कि लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो लेना ही पड़ता है चीफ इंस्पेक्टर से, है ना? सॉरी लास्ट नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और है। प्रत्येक भूमिगत कार्यस्थल से 2 निकास मार्गों की व्यवस्था करना किसका कर्तव्य है? ये तो पढ़े थे हम लोग, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ओनर का काम होता है, तो ओनर दिया हुआ सी में, सी सही होगा। मैनेजर प्रत्येक सप्ताह में कितने दिन कार्यस्थलों की जांच करेंगे? मैनेजर स्वयं जो है कार्यस्थलों की जांच करता है, कितने दिन कार्यस्थल की जांच करेंगे? तो अंडरग्राउंड में 4 दिन है, 6 दिन में करेंगे कोई दिन, मिनिमम 4 दिन ओपन कास्ट में डेली करता है ना। आंतरिक पंखों की दक्षता कितने दिनों के में एक बार जांच की जाएगी? रिपीट क्वेश्चन से बताइए आप लोग, अभी तो पढ़ाया मैंने, 3 महीना है, ठीक है। इंक्लाइन क्या होती है? अब इंक्लाइन हम लोग तो देखते हैं, इंक्लाइन हमारा साफ इंक्लाइन बना हुआ है माइंस का, तो वो किसको बोलेंगे? गैलरी रोडवे को, सरफेस बोलेंगे तो भाग में जाने वाला ढालू रास्ता, ट्रांसपोर्टिंग लाइन, या सभी को बोलेंगे? सरफेस में भूमिगत जाने वाला ढालू रास्ता, उसी को हम लोग इंक्लाइन बोलते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और मेरे चैनल के साथ बने रहे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें।